कीर्तन सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सोनल फेंसिंग के बारे में। तो प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखना, इसमें आपको मैं बताऊंगा कितना खर्चा 1 किलोमीटर फेंसिंग करने के लिए आता है और इसमें कितने गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है। तो इसके बारे में मैं पूरी आपको लास्ट तक आप मेरी वीडियो देखना तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका सोनल पैनल है, ये ऊपर सोनल पैनल है, नीचे इस बॉक्स में बैटरी है जो 12 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और इसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ इस तार के साथ। आप देख सकते हैं इस तार के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है। इसमें 9 तारें लगी हुई हैं, ये 9 तारें लगी हुई हैं इसमें, और इसका करंट लगभग 3 सेकंड में 1 बार लगता है। यानी आप ये समझो कि 12 वोल्टेज सिर्फ 3 सेकंड में 1 बार आएगा और इसमें बाकी बंद हो जाएगा, 3 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा और 1 सेकंड के लिए इसमें करंट दौड़ेगा, जिसकी वजह से कोई खास नुकसान होने की आशंका नहीं रहती है। और इसमें एक सबसे फायदा ये है कि जब भी कोई इसे के नज़दीक आएगा वो उसे करंट जरूर लगेगा और वो जानवर इस यहाँ से दूर भाग जाएगा। तो इन जंगलों में जंगली जानवर भी हैं, सुअर भी हैं और बंदर भी हैं। तो सबसे नुकसान जो हमारा सेब के लिए हो रहा वो लंगूर और बंदर कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा करके, हिमाचल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग जो बंदर का और जो ज़मीन का जितना भी नुकसान हो रहा है लगभग वो इसका जो गवर्नमेंट जो अनुमान लगा रही है वो है 230 करोड़ का सालाना खर्चा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं किसानों का। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक इसके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है। इससे पहले था ये आपका 60% था और 60% आपको गवर्नमेंट देती थी और 40% हमें देना पड़ता था, पर इसके लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट, किसी ने इंटरेस्ट नहीं रखा, तो जिस कारण से ये स्कीम काफ़ी ठंडी रही। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें 80% कर दिया। जब 80% किया तो काफ़ी बागवान भाइयों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और लगभग 2-3 अभी पिछले इन जो पिछला बजट था तो इसमें गवर्नमेंट ने और भी थोड़ी सी सुविधा रख दी। इसमें गवर्नमेंट ने एक और प्रस्ताव रखा कि अगर बाय द वे किसी ज़मीन 3-4 किसान भाइयों की ज़मीन एक साथ है तो उसमें आप हमें सिर्फ 15% देना पड़ेगा, 85% गवर्नमेंट उसमें खर्चा कर रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो है और पैसा और बच रहा है और जैसे 2-3 किसान भाई हैं वो आपस में जुड़ करके और भी अपने ज़मीन को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेलिटी जो है, फॉर्मेलिटी यही है कि आपको अपना ज़मीन का तरतीबा निकालना पड़ेगा, आपको उसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसका फेंसिंग वालों को बताएगी और वो फेंसिंग वाले आएंगे और वो इसका एक बार मुआयना करेंगे और वो पूरा एक एस्टिमेट देते हैं कि इसमें कितने किलोमीटर या कितने मीटर आपकी जो तार लगनी है वो उसमें पूरा इसका खर्चा बताएगी, एस्टिमेट लगाएंगे और वो डिपार्टमेंट को बताएगा। डिपार्टमेंट फिर हमें बताएगा जी आपके 1,00,000 का उसमें खर्चा आ रहा है तो इसमें आपका 20% या 15% जो देना पड़ेगा वो हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा। जब हम इसे जमा करेंगे और इसका उसके बाद काम शुरू हो जाता है, जैसे ही इसका हम पैसा जमा करते हैं कुछ टाइम बाद वो आते हैं और फेंसिंग लगाएंगे। और इसमें जब फेंसिंग वगैरह लगाते हैं तो फेंसिंग में ये जगह के अनुसार जो कार्य होता है, इसमें पोल कितने लगने, मेन पोल कितना लगना है और इसमें आपके सोनल पैनल जो बैटरी है वो कितनी लगनी है, सोनल पैनल कितने वाट का लगना है। सोनल पैनल जो है होता है जो 20 वाट से आपका 100 वाट तक लग सकता है, जो बैटरी होती है वो आपका 20 वाट की सॉरी 12 वोल्टेज की जो बैटरी होती है इसके लिए सोनल पैनल होता है वो होता है आपका 20 वोल्टेज से 100 वोल्टेज का सोनल पैनल हो सकता है। तो इसमें एक और बात है, इसकी जो खासियत है वो ये खासियत है कि जब हम इसका बाय द वे मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर किसी कारण से मौसम 3-4 दिन ख़राब रहा, तो जब ख़राब रहा तो इसकी चार्जिंग तो होगी नहीं, पर इसका एक खासियत है जब इसकी चार्जिंग आपका अनुमान एक बार फुल चार्जिंग होती है तो ये चार्जिंग लगभग आपका 48 घंटे तक चलता है। यानी अगर मान लो हमारे 4 दिन तक लाइट
धूप नहीं आती है, बारिश रहती है, तो ये आपका 4 रातों तक बड़े आराम से काम कर सकती है। ये सोनल पैनल का इन्होंने एक गेट दिया हुआ है, गेट के साथ इन्होंने इसमें तार द्वारा से अर्थिंग की हुई है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल अर्थिंग की हुई है, आप इसमें इसमें यहाँ जोड़ा हुआ है तार को, और आप ये देख सकते हैं इस तार को जब इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे आप आराम से इसे दरवाज़ा आप इसे खोल सकते हैं, और इसके लिए आपने इन्हें हैंडल दिया, और ज़रूरी नहीं कि आप किसे तार को छुएं, क्योंकि तार को इन्होंने इस तरह दिया हुआ किसे आराम से आप इसे खोल सकते हैं और आराम से अंदर जा सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं इसमें इन्होंने तारों को आपस में जोड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली फेस है, उसके बाद फेस को इन्होंने नीचे ये जोड़ दिया है, और इसमें इन्होंने दो न्यूट्रल रख दिए हैं, ये दो तार हैं इसमें न्यूट्रल है, और दोबारा से इसने फेस दिया हुआ है इस तरह। और मैं अपने किसान भाइयों के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सुरक्षित है, और हमारे लिए जितने भी गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, तो हमें हमारे बागवानों को चाहिए कि वो हम सब इसका फ़ायदा लें। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके, और मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, मुझे अच्छा